तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये जो अभिक्रियाएं होती हैं वो कौन कौन सी अभिक्रियाएं। कुछ अभिक्रियाएं, वैसे अभिक्रियाएं तो जो है वो बहुत प्रकार की होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ अभिक्रियाएं हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, मैं आपको बताता हूँ अगली वीडियो में। कुछ और भी अभिक्रियाएं जो मंद होती हैं, तीव्र होती हैं, और उसके साथ भी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं, तो इन सबों के बारे में अगले वीडियो में बात कर लेंगे किसी। लेकिन ये जो है इम्पॉर्टेंट थोड़ा सा, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि जरा कौन कौन सी अभिक्रिया जो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वो वीडियो है कौन कौन सी है, योगात्मक अभिक्रिया। सबसे पहले क्या होती है, योगात्मक अभिक्रिया हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद से प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद से वियोजन अभिक्रिया देखेंगे। फिर उष्मीय उष्माक्षेपी अथवा उष्मा शोषी अभिक्रिया देखेंगे कि ये सभी क्या होती हैं। तो ठीक है, आइए फिर देखते हैं हम लोग पहला पहला दिख रहा है। हाँ, पहला देखते हैं योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक, योगात्मक मतलब क्या होता है, एडिशन, एडिशन अभिक्रिया। तो ये क्या होता है योगात्मक अभिक्रिया, नाम से ही पता चल रहा है आपको। योगात्मक, योगात्मक मतलब कि जिसमें क्या होता है, जुड़ते हैं, जिसमें जुड़ते हैं वो अभिक्रियाएं क्या होगी, जो जिस अभिक्रिया में कोई भी तत्व जो होता है वो जुड़ करके आपस में अभिक्रिया कराता है, वो हमारा क्या कहलाता है, तो योगात्मक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए हमारा ये हो गया एच हो गया और प्लस में ओ टू हो गया, तो हमारा क्या बनता है, एच टू ओ बनता है कि नहीं बनता है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, योगात्मक अभिक्रिया हो, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो यहाँ पर जुड़ रहे हैं, दो तत्व जुड़ रहे हैं और जुड़ करके एक तीसरी बना रहे हैं, जिसको एक तीसरा यौगिक बना रहे हैं जो हमारा क्या है, वाटर है, यानी कि पानी है, यानी कि जल है। तो ये हमारे कौन सी अभिक्रिया में आ गई, योगात्मक अभिक्रिया में, जब कोई दो यौगिक या फिर जब कोई दो तत्व आपस में जुड़ करके किसी तीसरे को योग कर कोई तीसरा तत्व बनाते हैं या फिर किसी तीसरा यौगिक बनाते हैं, वो हमारा क्या होता है, योगात्मक अभिक्रिया, यानी कि एडिशन रिएक्शन कहलाती है, ठीक है। उसके बाद से दूसरा आते हैं हम लोग, दूसरा दूसरा देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो प्रतिस्थापन क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभिक्रिया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, तो जब कभी भी प्रतिस्थापन मतलब क्या, जैसे कि मान लीजिए मेरी कुर्सी पे या फिर मेरी जगह पे या फिर मेरी चेयर पे कोई बैठा हुआ है और हम गए और हम उसको हटा दिए, हटा के खुद बैठ गए, तो ये क्या हो गया, प्रतिस्थापन हो गया। मतलब कि उसको मैंने स्थापित कर दिया, विस्थापित कर दिया, उस जगह से मैंने उसको हटा दिया, तो क्या हो गया, ये हमारा प्रतिस्थापन हो गया। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, CuSO4 और प्लस में Fe, ये अभिक्रिया करके बनाता है हमारा FeSO4 और प्लस में Cu, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये SO4 के साथ यहाँ पर कॉपर था, यहाँ पर SO4 के साथ Fe है ना। तो समझ लीजिए कि SO4 एक चेयर है, इस चेयर पे कौन बैठा है, कॉपर बैठा है, और ये कॉपर बैठा है यहाँ पे, तो ये Fe है, Fe आया और इस कॉपर को हटा करके, क्यों हटा करके बैठा, क्योंकि Fe जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आता है, ऊपर आता है कॉपर से, कॉपर से ऊपर आता है, इसलिए ये ज़्यादा, जो कॉपर से ऊपर आता है वो ज़्यादा मतलब कि रिएक्टिव होते हैं, ये Fe जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये रिएक्टिव होता है, इसलिए कॉपर को हटा करके खुद बैठता है SO4 की जगह पे। तो यहाँ पर FeSO4 होता है, मतलब देखिए कॉपर को विस्थापित करके खुद बैठ गया, तो जो भी रिएक्शन विस्थापित करेगी, विस्थापित करके जो अभिक्रिया होगी वो हमारी कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे एकदम बस ईजी लैंग्वेज में। कुर्सी या कुर्सी पर समझ लीजिए, हटा करके जो बैठ गया वो क्या है, हमारा स्थापित, उसको विस्थापित कर दिया हमने, प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई। तीसरा आता है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा क्या है, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, वियोजन, वियोजन यानी कि वियोजित होना, वियोजित होना यानी कि टूटना। तो जब कभी भी किसी अभिक्रिया में कोई यौगिक है वो टूट कर अपने अवयव में बदल जाता है, उसको क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक। जैसे कि मान लीजिए हमारे एग्जाम्पल में हो गया NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड इसको बोलते हैं, ये क्या है हमारा, अमोनियम क्लोराइड, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नौसादर, ये याद रखेगा, ऊर्ध्वपातन में आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ऊर्ध्वपातन में नौसादर या फिर अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड होता है, ये हमारा टूटता है, वियोजित होकर क्या बनाता है, NH3+ में Cl, ठीक है ना, NH4Cl, ठीक है, NH3+ में HCl, NH3+ में HCl बनाता है, ये क्या होता है, हमारा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब क्या, जो ये पहले जुड़ी रहे, पहले रहे ये कोई यौगिक, हुआ बाद में क्या हो गया, टूट गया,
अपने दो भागों में। तो देखिए ये पहले NH4Cl था, एक यौगिक था, टूट करके NH3 और HCl में बदल गया, तो हमारा क्या हो गया, वियोजित हो गया, वियोजित यानी कि टूट गया। तो ये हमारे कौन सी अभिक्रिया में आएगा, तो ये हमारा आएगा वियोजन अभिक्रिया में, ठीक है। उसके बाद से आते हैं हम लोग चौथा वाली जो है हम लोग की, फोर्थ नंबर जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, चौथा है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और या फिर अथवा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। ये क्या होता है, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी दोनों अलग अलग है। तो देखिए ऊष्मा नाम में ही पता चलेगा, ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी, तो सब में देखिए सबसे पहले इधर से शुरू करते हैं हम लोग, ऊष्माशोषी से, शोषी लिखा हुआ है। ये क्या होता है ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी, इसको हिंदी इंग्लिश में लिखते हैं एक्सोथर्मिक और इसको क्या बोलते हैं एंडोथर्मिक। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है, एंडोथर्मिक मतलब कि जिसके जिसके लिए हमें ऊष्मा की ज़रूरत पड़े, जो कोई भी अभिक्रिया ऊष्मा को अवशोषित करती है वो क्या होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या ऊष्मा को अवशोषित करे, जो अभिक्रिया ऊष्मा को अवशोषित करे या फिर शोषित करे उसको, वो क्या हमारी कहलाएगी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगी, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। और जो अभिक्रिया में, जिस भी अभिक्रिया में ऊष्मा का रिलीज हो, मतलब कि उसमें से ऊष्मा जो है वो निकलती है, वो हमारा क्या कहलाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल देखिए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो कार्बन प्लस में ऑक्सीजन का मिलकर बनाते हैं CO2 और प्लस में लगभग 1300 जो है वो कैलोरी जो है ऊष्मा जो है वो निकलती है, कैलोरी ऊष्मा जो है वो निकलती है, इसे क्या क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ये, क्योंकि देखिए इसमें ऊष्मा जो है वो रिलीज हो रही, ऊष्मा जो है वो बाहर निकल रही, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। दूसरा देखो ऊष्मा अवशोषी, जिसमें क्या हो, ऊष्मा का जो है वो अवशोषण हो, जैसे कि मान लीजिए हमारा ट्वाइस ऑफ एन हो गया, या फिर इसको हम ऐसे लिखते हैं N2 लिख सकते हैं और प्लस में O2 लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, इसको जब इसकी अभिक्रिया कराने के लिए इसको हमें ऊष्मा देना पड़ता है, तब जाके ये रिएक्शन होती है और हमारा बनता है ट्वाइस ऑफ NO बन जाता है, ठीक है। तो देखिए ट्वाइस ऑफ क्या बन गया, NO बन गया। तो इसमें क्या है, ऊष्मा यहाँ पर देखिए ऊष्मा अवशोषित हुआ। और सबसे अच्छी बात ये कि जब कभी भी आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी तो ऊष्मा यहीं पे पहले लिख दिया होगा, या फिर ऐसे डेल्टा एच जो है वो प्लस करके डेल्टा एच यहाँ पर ऐसे लिख दिया होगा पहले ही। ये हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मतलब कि क्या है हमारा, ये अभिकारक है, तो अभिकारक में ही ऊर्जा ऐसे लिख दिया होगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया में। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में जिसमें ऊष्मा रिलीज होती है, वहाँ पर ऊष्मा जो है वो बाद में दिया होगा, ठीक है, उत्पाद के पास। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया, योगात्मक प्रतिस्थापन, बहुत अच्छी बात। तो ये वीडियो आपको अच्छी जरूर लगी होगी, समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करेगा, कमेंट में बता दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी। बाकी आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा और थैंक यू।